तमाम कॉलेज ना स्टाफ मित्रों तेमज एनसीसी ना
सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर प्राध्यापक एम के पटेल सर तथा NSS ना सीनियर वॉलंटियर्स NCC ना तमाम कैडेट्स आज ना कार्यक्रम में दाखल थे नवा एवं NSS ना वॉलंटियर्स हूँ NSS प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी जरीवाला आजना आ कार्यक्रम में आप सौनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ तथा आज आ कार्यक्रम ने आग लई जवा माटे NSS ना सीनियर वॉलंटियर्स किशन भरूसाने विनंती करूँ छूँ મહેમાન શ્રી ડોક્ટર ગિરીશ કુમાર રાણાનું સ્વાગત કરવા હું પ્રોફેસર રાજીવ પવનને વિનંતી કરું છું. कहते हैं आदि से तूफा से तूफा जहां टकराता है वो उसे चट्टान कहते हैं. तूफा जहां टकराता है उसे चट्टान कहते हैं और चट्टान से जो टकराए उसे युवा कहते हैं. सुबह से इस देश की संस्कृति में इस देश की धरती में बड़ा पावन दिन इसलिए है कि जहां पर जहां डाल डाल पे बैठा है सोने की चिड़िया, जहां हर धरती के कोने कोने में पैदा हुआ है हमारे संत हमारे नेता, ऐसी इस देश की भूमि में आज के दिन जिनका जन्म हुआ वो है स्वामी विवेकानंद जी. कई बार आप देखते हो अपने आप अपने जरा देख लेने का कि उनकी तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है, अनुभूति हो जाएगी आपको, देख लेना. और इसी महान आत्मा का आज जन्म जयंती के दिन एक युवा अगर उसका कार्यक्रम नहीं करता है तो मैं समझता हूं कि हम युवा नहीं है. तो इसी संदर्भ के अंदर 198वीं स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन कर रहे उसी समारंभ में उपस्थित ऐसे मेरे ही खलीक मेरे दोस्त प्रोफेसर भावसर सर, हम देख रहे हैं कि आप लोग कोई कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं. बड़ा अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, सभी बलसाड़ में उसकी हवा चली है. हवा तो चलती है लेकिन अच्छी हवा जब चलती है तो उसे आनंद लेने की जरूरत पड़ती है और उसका आनंद मुझे नहीं आप सबको भी दिख रहा है, आपके चेहरे पे दिख रहा है. एक लघुनाटिका के जरिए एक अच्छा कार्यक्रम पुस्तक गंगा नाम का जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है उसकी फलश्रुति अगर मैं बताऊं तो मुझे नहीं मिलती, वो आपको मिल रही है. आपके लिए तालियां बजाइए, बहुत बहुत मुबारक हो. कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, घटनाएं भी बहुत होती है, लेकिन कई घटनाएं हमें कुछ सिखा जाती है. और उसी संदर्भ के अंदर मैं आप सबको अभिनंदन इसलिए दे रहा हूं कि बलसाड़ के इतिहास में शायद ये घटना अच्छी बनी हुई है कि जहां आपके स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा. कल के दिन 1500 पुस्तक हम लोग इकट्ठा करके एक जगह से अगर लाते हैं तो आप देखिए कि मेरे साथ NH कॉमर्स में पढ़ने वाले बच्चे के अंदर कितनी ताकत है. देखिए आप ये शक्ति, इस प्रकार का वायु वायु आपका शरीर बिगाड़ता है दोस्तों. और ये वायु जो है दो प्रकार के होते हैं, अच्छा वायु भी होता है. और मैं देख रहा हूं कि NSS के विद्यार्थी में सा NH के विद्यार्थी के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ है, वो जज्बा दिख रहा है. बाहर से कई मेहमान कल आए थे स्क्वाड में, जब उनसे बात हुआ तो देश की इस संस्कृति में इस धरती में ऐसी ऐसी हस्तियां पैदा हुई है जिसका थोड़ा सा जीवन अगर हम झलक देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम क्या कर सकते हैं. उसका जज्बा आप में होना चाहिए और इसलिए साइनेस
कॉमर्स के अंदर जब आप पढ़ रहे हो तो मैं समझ रहा हूं कि सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं मिले, सिर्फ परीक्षा पास न हो, लेकिन मेरा विद्यार्थी एक सुसंस्कृत विद्यार्थी बने, आने वाले कल के लिए इतिहास को भूले नहीं। जो जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं, जो संत हो गए, जो महात्मा हो गए, जो आत्माएं हमारे यहाँ बन के गई है, उसका परिणाम जब हम देखते हैं तो अब ये विश्व के सभी देश हमें एक उदाहरण लेके चलने वाले हैं, ये मैं समझ रहा हूं। और मेरा विद्यार्थी एक अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी बने ताकि इस देश की छवि दूसरे देश में हम लोग दिखा सके। ऐसा नहीं है कि हम एडॉप्ट करने वाले लोग हैं, हम पैदा करने वाले लोग हैं। स्वामी विवेकानंद को हमने पैदा किया, महात्मा गांधी जी को हमने पैदा किया, उसकी नाम उसकी नींव हमने रखी है, कोई दूसरा नहीं रखता। उसका नाम कोई दूसरा ले तो उसकी उंगलियां तोड़ डालने के हमारा ताकत हमारी शीघ्रता होनी चाहिए, वो हमारा है। आप मेरे हो, आप एनएच कॉमर्स के हो, ये धमक पैदा करने का काम आज युवा जो दिन हमारे पास है स्वामी विवेकानंद के जीवन चाहिए। दोस्तों अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए, अच्छा जज्बा होना चाहिए शिकागो के अंदर, महासभा के अंदर भाइयों और बहनों के नाम से जब उन्होंने स्पीच शुरू की तो पूरा विश्व का जो महासभा का सभा के लोग थे वो अवाक हो गए, दंग हो गए। क्यों हो गए? होगा ना कुछ, आप में भी दम है, देखा है मैंने। शॉर्ट नोटिस के अंदर हम यहाँ आ जाते हैं, शॉर्ट नोटिस के अंदर हम रैलियां निकालते हैं, हम 1,500 नहीं 10,000 पुस्तक। कल की एक अच्छी बात मेरे पास जब मेरे जहन में आई, मेरे को बताया गया 32,000 बुक्स एक आदमी के पास है, वो भी देने के लिए तैयार है, सिर्फ ट्रस्टियों की सम्मति चाहिए उसे। आप समझिए बहुत बड़ा धन हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं दोस्तों। ये जो मिलने वाली चीज है वो न भूतों न भविष्य होने वाली चीज है, उसका जज्बा हमें होना चाहिए। जहां पर भी आप जा रहे हो वहां आपको अवकाश मिल रहा है, आप देख रहे हो आपकी अहमियत बढ़ रही है, आपका जज्बा बढ़ रहा है, आपकी ताकत बढ़ रही है। और उसी ताकत को लेकर दोस्तों आज हमें देखना चाहिए कि हमारा देश, हमारी धरती, हमारी संस्कृति, हमारी नींव कहां पर जाके रुकी है, इसमें बदलाव आ रहा है। हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि नेगेटिविटी हमारे अंदर कम हो रही है, पॉजिटिविटी ज्यादा आ रही है। मैं कोई गलत सिनारियो नहीं देख रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय फलक के ऊपर जब हम बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय करण की बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन की बात करने वाले मैं नहीं हूं, आप लोग हैं। वो देख कर चलना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। आने वाले कल के लिए हम पूरे राष्ट्र के अंदर नहीं, पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर हम एक अच्छे स्पर्धक बने। हमारा जज्बा ऐसा होना चाहिए कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण हिंदी में दिया था और अपने भाषण के अंदर उन्होंने पूरा ये दिखाया था कि मैं भारतीय हूं। ये जज्बा लेकर जाना है, राष्ट्रीयता पैदा करनी है, अपने संस्कृति को देखना है। भारत की संस्कृति ये हिंदू संस्कृति है। आप जानते हैं हिंदी, हिंदू का मतलब ये नहीं हमारे कोई धर्म है, ये कोई भाषा है, ये कोई संस्कृति है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म के बायां ये नहीं कि हम रीजनल को लेकर चल रहे हैं, कोई हम एक दूसरे को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म को समझना पड़ेगा, हिंदू धर्म नहीं बोल रहा हूं मैं, हिंदुत्व को समझना पड़ेगा, राष्ट्रीयता को समझना पड़ेगा। इस देश का इतिहास ये बता रहा है कि हमारी राष्ट्रीयता हिंदू है। वो भले मुसलमान हो, भले वो ईसाई हो, लेकिन जहां पर भी वो जाता है उसमें तागाद है। आज में उसमें जो आने वाली कल की पीढ़ी के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, उसका जतन कर रहे हैं, उसको हमें पहचानना पड़ेगा। और इसीलिए बता रहा हूं अपने माँ बाप को सम्मान देना करिए, अपने दादा दादी से बात करिए, आने वाले कल के लिए जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उससे बात कर अपना इतिहास जानिए। हम अपना इतिहास भूल रहे हैं, उसी की शोकांति का इसीलिए हो रही है कि सोशल मीडिया बहुत जल्दी से आगे फैल रहा है और आर्टिफिशियल ज्ञान हमें नहीं मिल रहा है। आर्टिफिशियल नॉलेज की हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल यानी क्या? जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि बागानों में खिला हुआ फूल, जब हम देखते हैं तो उसकी सुगंध हमें दिखाई देती है, उसकी सुंदरता दिखाई देती है, लेकिन जब प्लास्टिक के फूल हम लगाते हैं वो एक आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का कभी जवाब नहीं होता, उसकी सुगंध नहीं होती, उसकी आगाज नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जो ओरिजिनलिटी है, जो हमारे पास
जो हमारी संस्कृति पड़ी है उसको देखना पड़ेगा, मान सम्मान को बढ़ाना पड़ेगा। आने वाले कल के लिए हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उसको हमें सम्मान देना पड़ेगा। उसी की राह देखकर, उसी राह पर चलकर हम सब एक नया इतिहास लिखे, उस पर जाकर इस देश को नया देश बनाए। स्वामी विवेकानंद जी ने जब शिकागो में जाकर भारत की पहचान बनाई थी, तब जाकर आध्यात्मिकता क्या है उसका एहसास पूरी दुनिया को हुआ था, हिंदुइज्म क्या है उसका एहसास उनको जब हुआ, तब जाकर स्वामी विवेकानंद जी को और भारत को मानने लगे। पूरे राष्ट्र को जब हम अपने आप में देखते हैं तो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारा जो महत्व है उसे हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। और इसीलिए आप सब बड़े अच्छे लोग हैं, हम सब में बहुत तादाद है, शक्ति है, उस शक्ति को पैदा करने का, उस शक्ति को जलाने का काम हमें शिक्षा के माध्यम से करना होगा। हम जानते हैं कई बार हम लोग देखते हैं कि हम तत्कालीन फायदे के लिए हम हमारी अपनी खुद की जो लक्ष्यता है उसको देख रहे हैं, उसको सेंट्रलाइज करते केंद्रीकरण कर रहे हैं, लेकिन तत्कालीन ज्ञान, एक जो ज्ञान है वो ज्ञान बड़ा लंबा नहीं चलता। इस स्तर के अंदर आर्टिफिशियल नॉलेज एक वायरस के स्वरूप में, एक चिंता के विषय में लोग देख रहे हैं। आज भी अमेरिका, जापान, चाइना और कोई भी बड़ा देश है उसकी भी चिंता यही बनी हुई है। आप देख रहे हो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी बात जो आज की है, हमारे पास हमारी खुद की जो पर वैक्सीन है कोरोना के लिए वो हमने डेवलप की, वो जज्बा किसने दिखाया? नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। देख रहे हैं आप पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत की वैक्सीन चली है और चलने वाली है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप को देखो, पहले आप कैसे दिखते थे, आज कैसे दिख रहे हो? ज्ञान की परिभाषा को बढ़ाना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि हम पढ़ना बंद कर दिया है, सदंतर बंद कर दिया, सोशल मीडिया के आड़ में हम लोग अपने ज्ञान को कम कर रहे हैं दोस्तों, उसका बड़ा चिंता का विषय है। आज बड़ा दिन है, आज स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास पढ़ना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उस बात के अंदर हमारी समझ बड़ी होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं, मैंने बताया है, किसी आदमी को हम एक 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 नजर से अगर हम देखते जाते हैं तो उसकी पूरी परिभाषा में समझ में आती है, आदमी कौन है, कैसा है। मैं इसीलिए बताया कि उसकी तस्वीर को आप देखोगे तो पता चलेगा कि कैसी एक लाक्षणिकता उसके चेहरे में दिख रही है। और ऐसा संत, ऐसी आत्मा इस देश के अंदर पैदा हुई, कई सारी चीजें, बहुत छोटा जीवन था, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन बहुत छोटा था। कई बार ऐसा ढूंढते ढूंढते जाओगे तो दिखेगा नहीं कि क्या यार इसमें क्या उसको देखना है, क्या पढ़ना है। बड़ी बातें, दो तीन चीजें जो कही गई है, जो दो तीन चीजें हमें दिखती है उसकी विश्लेषणात्मक भाषा हमें करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। एकता, अखंडता और आध्यात्मिकता, ये तीन शब्द को जब लेकर स्वामी विवेकानंद चल रहे थे उस समय इस देश के अंदर, गांधी जी जैसे संत महात्मा, अंतरराष्ट्रीय फेम, जो एक न खड़क बिना ढाल जिसने दी आजादी, उस प्रकार का जो एक लकड़ी लेकर चलने वाला आदमी भी जब ऐसा बोल रहा है कि स्वामी विवेकानंद एक संत आत्मा है, उसने जो बात की है उसको आध्यात्मिक के तौर पर हमें लोगों के विचार में डालना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा। तो आप समझिए 1984 के अंदर, 84 के अंदर, 84 के अंदर ऐसी घटना बनी जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस का निर्माण हुआ। और आज का दिन भारत के अंदर 1984 में जो सरकार थी उसने राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। और इसीलिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो या तो फिर गुजरात केसीजी हो, शिक्षण कमिश्नर हो और हम खुद भी हो, हमें भी अपनी आत्मा को झंझोड़ना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए और देखकर किसी के जीवन शैली को देखकर उसका अभ्यास करना चाहिए, उसको हमें विश्लेषण करना चाहिए। और जाकर कोई अच्छी चीज अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो उसका आने वाले कल के लिए हमें बड़ा अच्छा लाभ होने वाला है। और इसीलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन देकर आज के इस व्यक्तित्व को मैं यहाँ पर पूरा कर रहा हूँ। कई समय मिलने वाला है, मैं कई चीजें बात करने वाला हूँ, लेकिन हम बने तो विवेकानंद जी के लक्ष्य कदम पे चले, हम बने तो अच्छा युवा बने,
हम बने तो अच्छा विद्यार्थी बने और आने वाले कल के लिए हमारे जीवन से कोई सीखे, ऐसी चीज लेकर हम जाए, ऐसा काम हम करें ताकि दुनिया कहे कि आने वाले कल के लिए जो युवा आज पैदा हुए हैं वो सही तौर पर एक नया जनरेशन है, नया जेनेटिक लेकर आया है, इंटेलेक्चुअल है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, आर्टिफिशियल लंबा नहीं चलता। और इसलिए आप अच्छा लक्ष्य लेकर अपने आप को ज्ञानवंत बनाइए, अच्छा नॉलेज लीजिए। कोई भी चीज जब क्लास में पढ़ाई जाती है, कई बार ऐसा लग रहा है कि शिक्षक कुछ पढ़ा नहीं रहा है, आपको मालूम नहीं है, शिक्षक पूरे एक घंटे में दो बातें ऐसी कह जाता है जो आपके जीवन में बहुत काम आती है, उसका ध्यान हमें होना चाहिए। आज के दिन आप तय करिए कि मैं अच्छा पढ़ूंगा, रोज एक 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 पेज पढ़िए ना यार, ज्यादा मत पढ़ो। हमारे जीवन में हमने नियम बनाए नहीं है, हमारा नियम है रोज खाना, रोज पार्टी करना, रोज फियांस को मिलना और जाकर पार्टी करना। एक पेज में ज्यादा नहीं बता रहा हूं, 200 लाइन पढ़िए, किसी संत महात्मा का पढ़िए, किसी हीरो का पढ़िए, सलमान खान है, कैटरीना कैफ है, पढ़िए ना उसका जीवन शैली कैसा है। आप उसको देखते हो, चाहते हो, लेकिन अंदर घुस के देखते नहीं है, देखना पड़ेगा, रोना आता है कई बार। आर्टिफिशियल नॉलेज, आर्टिफिशियल थॉट्स है हमारे, देखने का, जो करना है वो कर लेने का, फिर छोड़ देने का। मैं कोई चीज ऐसी नहीं बोल रहा हूं कि जिसमें आपको शर्म लगे दोस्तों, चौपड़ी हो, चार घंटा मैं इधर खड़ा रहकर आपको बोल सकता हूं, लेकिन आप भी दूसरा कार्यक्रम में जाने वाले हैं, मेरे कई साथी बैठे हैं, वो भी इस विचार को थोड़ा सा बताएंगे। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद, प्रणाम, और आने वाले दो दिन के अंदर 10,000 के ऊपर पुस्तक लेके आए, ऐसी आपको शुभेच्छा। जय हिंद, जय गुजरात। छता आज स्वामी विवेकानंद जी 158वीं जन्म जयंती राष्ट्रीय युवा दिन ना संदर्भे आज आप भेगा थया छे। स्वामी विवेकानंद जी साहेब जे बात करी, अपना प्रधानमंत्री घणी वार एमना भाषण में कीधुं छे, वो नरेंद्र था और ये नरेंद्र है, मैं वो नरेंद्र की बात कर रहा हूँ आज। वो मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त रामकृष्ण परमहंस ना परम शिष्य आपने बता जाए, रामकृष्ण मिशन ना स्थापक रही चुक्या है। यूरोप अने अमेरिका में वेदांत अने योगना जन्मदाता ने ये पण एमने गणवामां आवे छे। आजे ज्यारे युवा विकास दिन संदर्भ में आपणे सब मळीए छे त्यारे साहेबे जे रीते वात करी ए प्रमाणे हूँ पोते एवुं मानुं छुं के युवानोमांथी विश्वास मूकी देवा जेवो नथी। चोक्कस एटलुं कही शकीए के विद्यार्थी कॉलेजनो एनएसएस सा एनएस कॉमर्स नो विद्यार्थी होय, ए एनसीसी नो होय के एनएसएस नो होय, आ तमाम विद्यार्थीओए आफतने अवसरमां फेरवानी कड़ा हस्तगत करी लीधी छे। ત્યારે પણ એ આફતને આફત લીધી જ નથી, એમને અવસરમાં ઘડવવાની કળા એટલા પણ હસ્તગત છે કે ગઈકાલે સવાર રાત સુધી કદાચ આ પ્રોગ્રામ આવો કોઈ હતો નહીં, મેં સવારે ન્યૂઝ એના પર મેસેજ જોયો એનએસએસના ગ્રુપ ઉપર કે આજના કાર્યક્રમમાં થોડો ફેરફાર છે, આપણે અહીં આવવાનું છે અને પછી આપણે પુસ્તક ગંગાના કાર્યક્રમમાં ભેગા થવાનું છે। તો આટલી મોટી સંખ્યામાં ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ જો આજ મોટિવેશન લઈને આવી શકતા હોય તો હું ચોક્કસપણે કહી શકું કે આ વિદ્યાર્થીઓમાંથી આજના યુવામાંથી વિશ્વાસ છોડી દેવા જેવો નથી, એને આપણે વાળીએ એમ એ વળી શકે એમ છે। ચોક્કસ આપણે એમને એક મોટિવેશન આપવાની જરૂરિયાત છે અને એ મોટિવેશનને પૂર્ણ કરતા જ એ આપણે જે પરિણામ મેળવવા માગીએ છીએ, આપણી નૌકાને આપણે જે કિનારા સુધી પહોંચાડવા માગીએ છીએ એ કિનારો આપણને ચોક્કસ મળી જ રહેશે। પરિવર્તન જોઈએ, એમાં પરિવર્તન એ સૃષ્ટિનો નિયમ છે, પણ પરિવર્તન એ રાતોરાત નથી આવી જવાનું, એના માટે મહેનત કરવી પડે, એના માટે ધીરજ રાખવી પડે, આવવા જેવું નથી। પાછલા વર્ષમાં જો આપણે જોઈએ તો આપણી ફરજમાં એનએસએસના નેતા હેઠળ ઘણી બધી એવી વિશિષ્ટ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ થઈ છે કે જે કદાચ પહેલી વાર જ કોલેજના ઇતિહાસમાં થઈ છે। આ વખતે જે પણ આપણે પુસ્તક ગંગાની વાત કરી, ભૂતકાળના વર્ષોમાં આપણે પુસ્તક પરબને બી એક નવો પ્રોજેક્ટ મૂકેલો, એના અગાઉના વર્ષે આપણે જ્યારે વાંચે ગુજરાતનો પ્રોજેક્ટ હતો ત્યારે પણ આપણે એક ગ્રંથયાત્રાનું આયોજન કરેલું વલસાડ શહેરમાં અને એનો પણ ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળેલો, અને આપણે એક સાથે આપણા સંસ્કાર કેન્દ્રમાં 5,000
वाचकों ने एक साथ एक स्थल पर भेगा कर अपने पुस्तकों वाचन कार्यक्रम करेलो खरेखर आ बदा कार्यक्रमों एक क्वॉलिटी कार्यक्रम है जेमा विद्यार्थीओनो खूब ज मोटू योगदान है। हूँ फरी वार विद्यार्थी ने आ खूब खूब अभिनंदन आपवा इच्छू छू कि विद्यार्थी एमा पोताना मा विश्वास मूकीने अध्यापकों द्वारा आपेला मोटिवेशन ने मैंने चौक्स संदर्भ में एनो साथ आपीने एमने ये सिद्धांतों ने आधार जे लक्ष्य है ये परिपूर्ण करने चौक्स प्रयत्न कर धीरज लेतो दाखलो सबरी नो सबरीए जे धीरज थी राम की वाट जोईली श्रद्धा नो सभी नो लेतो दाखलो धीरज थी राम श्रद्धा राखजे कि क्यारेक तो अहीं राम आवशे। एटले आपणे आज प्रमाणे जो चोक्कसपणे वर्तता रहीशुं तो आपणे जे मेळवा ईच्छीए छे ए चोक्कसपणे आपणे मेळवानो प्रयत्न करवानो छे अने एमां विद्यार्थीओने चोक्कसपणे प्रोत्साहित जो करवामां आवे तो ए सारी सारी रीते आ कार्यक्रममां अने आवी बधी प्रवृत्तिओमां अग्रेसर रहीने जे प्रमाणे आपणे लक्ष्य प्राप्त करवानी वात छे ए तरफ आपणे चोक्कसपणे आगळ वधी शकीशुं। छेल्ले એટલું જ કહીશ कि जय विद्यार्थियों में अपने विश्वास मूकी ने विद्यार्थियों ने जो अलग अलग प्रवृत्ति करने जो आप चौक्स प्रोत्साहित करिए तो आप एनएसएस तो मोटो सेवा अपने समाज में अंत सुधी भागों में जाइने आप सेवा कार्य करता जाइए ये सुवास अपने प्रति वर्ष एनएसएस मध्यम की एनएसएस की प्रवृत्ति थी एनएसएस विविध कैम्पों की अपने करें गत वर्षे मैंने याद है कि एनएसएस कैम्प आप जैसे करेलो तरह दर वर्षे अपने एनएसएस कैम्प में રાહત ઘરે ચશ્મા પ્રોત્સાહિત કર્યા પછી બે વર્ષે એક પહેલીવાર એવો પ્રોજેક્ટ થયો કે જેમાં એક લેન્સ ક્લબના માધ્યમથી હું પોતે એક વિજય ચેરપર્સન હતો અને એમાં સ્પેક્ટેકલ બેન્ક્સનો એક પોર્ટફોલિયો મારી પાસે હતો અને એ પોર્ટફોલિયો અંતર્ગત આપણે ગામમાંથી 370 વ્યક્તિઓને આપણે વિનામૂલ્યે અમારા સુંદર શબ્દ તો રાહત ઘરે આપણે વિનામૂલ્યે ચશ્મા આપેલા અને કેટલાક પેશન્ટ બતા કે તેને આપણે એમાંથી પસંદ કરીને એ કેટલાક ઓપરેશનના કે દર્દીઓને આપણે વાસ્તા રેફરલ હોસ્પિટલ માટે રિફર કરેલા કે જે વિધિ ત્યાં લોકોએ ત્યાં જઈને પોતાના કેટલેકના ઓપરેશન વિનામૂલ્યે કરેલા એમાં પણ તમે જો જો તો વિદ્યાર્થીઓ જે કેમ્પમાં હાજર હતા એમને જે શિસ્તતાથી જે શિસ્તતાપૂર્વક આ કેમ્પનું આયોજન કરેલું એનું આજની તારીખે પણ એ ગામના સરપંચ અને ગામમાં આવેલા અને મારી લાયન્સ ક્લબમાંથી આવેલા જે પ્રતિનિધિઓ હતા એ લોકો પણ આજે પણ એ કેમ્પને યાદ કરે છે કે વિદ્યાર્થીઓનું ડિસિપ્લિન જે હતું એ ખરેખર માનવા યોગ્ય હતું અને એ લોકોએ જે હોસ્પિટાલિટી બતાવેલી એ ખરેખર આવકારદાયક હતી અને આપના સૌ માટે એક જોરદાર તાળીઓ ખૂબ અનુભવી મંચ છે એમની પાસેથી આપ ઘણી બધી પ્રેરણા પણ લઈ શકો એમ છો। આજે આપણે જુદા પરિપ્રેક્ષ્યમાં અહીંયા આગળ મળ્યા છીએ તો ખાસ કરીને એટલા માટે કે 12 જાન્યુઆરી મારી જિંદગીનો બહુ સરસ બહુ અદ્ભુત દિવસ બીકોઝ એક તો સ્વામી વિવેકાનંદનો જન્મદિવસ તો ખરો ને ખરો જ પણ અધ્યાપક તરીકેનો મારો જન્મ થયો તે પણ આજે 5 વર્ષ અહીંયા આગળ ભણતો ત્યારે એનએસએસમાં બહુ સક્રિય હતો સમજી લેજો અધ્યાપક બની શકો છો સારા અને એનએસએસમાં સક્રિયતાને કારણે હું અધ્યાપક બન્યો એમ કહું તો એ બિલકુલ ખોટી વાત નથી। સો તમને લોકોને એક નાનકડો સંદેશ એટલો આપીશ કે એનએસએસમાં આવ્યા પછી તમે એક પણ પૈસાનું કંઈ પણ ગુમાવશો નહીં જે કંઈ મેળવશો તે એનએસએસના કારણે મેળવશો। એક તો બહુ મોટી પ્રેરણા તો આપણા સ્વામી વિવેકાનંદ છે અહીંયા આગળ જે એમનો ફોટો આપણે જોઈએ છીએ અથવા તો કોઈ પણ જગ્યાએ સ્વામી વિવેકાનંદનો ફોટો જોઈએ ત્યારે એમાં આપણને કોઈ પણ દિવસે વૃદ્ધ સ્વામી વિવેકાનંદ દેખાવાના નથી એના કરતાં વધારે કામ કરી ગયા। 2-3 એવા ઇન્સિડન્ટ મારે તમારી સાથે શેર કરવા છે કે કલકત્તામાં એક સેમિનારની અંદર મારે જવાનું હતું મને તે વખતે ખબર નહોતી કે મારે સ્વામી વિવેકાનંદના જન્મસ્થળની બિલકુલ નજીક જ રહેવાનું છે નજીક એટલે કેટલું અહીંયાથી આપણે સાયન્સ કોલેજ જઈએ અને ત્યાં અમે જ્યારે એક ચર્ચમાં રોકાયા હતા તો એટલા વોકિંગ ડિસ્ટન્સમાં એમનું જન્મસ્થળ હતું એવું અમને ખબર પડી તો એ વખતે અમે ગયેલા અને એ મુલાકાત એમના ઘરની મુલાકાત એની અદ્ભુત
જે મારા મનમાં સ્મૃતિ છે એ જ કદાચ મને એવી ઈચ્છા થયા કરતી કે મારે બે મિનિટ કોઈક રીતે સ્વામી વિવેકાનંદ સાથે વિશે વાત કરવી. તો સાહેબે એ મેં પકડી લીધા અને મને એ આગળ મોકલી તો આપ્યો. સ્વામી વિવેકાનંદ રામકૃષ્ણ પરમહંસને મળે છે અને ત્યાર પછી ભારત ભ્રમણ કરે છે. આપણા ગુજરાતમાં પણ આવી ગયા હતા છેલ્લે કન્યાકુમારીને. એમના વિચારો લોકોના વિચારોનું આદાન પ્રદાન થાય છે. તમે જે પુસ્તક ગંગાનો પ્રોગ્રામ કરો છો એને હું થોડીક રીતે કોઈક રીતે જોડીશ સાથે સાથે કે તમે જે પુસ્તકો લાવવાના છો એમાં પણ દુનિયાભરના વિચારો છે. વિચારોનું તમે કલેક્શન કરી કોઈક રીતે દોહન કરીને, શબ્દ કદાચ થોડો એ લાગશે પણ એ કરીને તમે આવવાના છો અને જેના વાચકો છે એમને તમે સ્વામી વિવેકાનંદના થોટ સાથે મેળવવાના છો કોઈક ને કોઈક રીતે. સો બહુ અદ્ભુત કામ કરી રહ્યા છો અને આ જ સમયગાળામાં એમના જન્મ તારીખના સમયગાળાની અંદર કરવાના છો. તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તમે અનાયાસે પણ બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છો. આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન શ્રી પ્રોફેસર કે આર ભાવસર સાહેબનો આ તબક્કે હું ખૂબ જ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. એટલા માટે કે તમે જોયું હશે કે જે વ્યક્તિ NSSમાં જોડાય છે કે શ્રી પટેલ સાહેબને પણ તમે સાંભળ્યા કેવી રીતે ઇન્સ્ટન્ટ તૈયાર થઈ જાય છે, કહેવામાં આવે એટલું ઊભા થઈ જાય અને આપણી સમક્ષ આટલું સરસ પ્રેરણાત્મક લેક્ચર આપે. આ એક NSSની ફળશ્રુતિ છે જે નવા જોડાઈ રહેલા વિદ્યાર્થીઓમાંથી તમારે ખાસ સિનિયર પાસેથી એની પ્રેરણા લેવાની છે. હું ડૉક્ટર ગિરીશભાઈ રાણા સાહેબનો પણ આ તબક્કે હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. સાહેબ ભલે ઉંમરમાં મોટા છે, સિનિયર છે, પરંતુ આજે પણ તમે એમની સ્પીચ સાંભળો ને તો તમને એમ લાગે કે આપણા કરતાં પણ યુવાન છે. આજે જે કાર્યક્રમ આપણે ઉજવી રહ્યા છે એ કાર્યક્રમને અનુરૂપ આપણને ખૂબ જ સ્વામી વિવેકાનંદના જીવનમાં ઊંડાણપૂર્વક જવાની અને એમાંથી જે કોઈ આપણને જીવવા માટેની જે લાઈન છે તે ખૂબ જ વિસ્તૃત રીતે એમણે વર્ણવી છે કે કયા વિચારોને આપણા જીવનમાં ઉતારવા જોઈએ, કેવી રીતે ઉતારવા જોઈએ, એનું શું મહત્ત્વ છે. સાહેબે ખરેખર આપણને આ પ્રેરણાત્મક આજના પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધનમાં આપણને આપ્યું છે, એમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. કેશી પટેલ સાહેબ એમણે આખી હિસ્ટ્રી વર્ણવી દીધી છે એમના વિદ્યાર્થી કાળથી માંડીને, જેમાં NSSનું જેને ઇન્ક્લુઝિવ આપનું NSSના ભૂતપૂર્વ પ્રોગ્રામ ઓફિસર શ્રીઓ ચાંપાનેરી સાહેબ, મુલ્લા સાહેબ એમનો પણ અત્રે આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહીને અમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અમારી અત્યારની NSS પ્રોગ્રામ ઓફિસરોની ટીમના સર